सर जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में आपने बताया था कि थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है, और सोयाबीन में भी आपने नरमी बताई थी। हम ठीक वैसा ही होता हुआ देख रहे हैं कि इस वक्त खाद्य तेलों में सोयाबीन में एक नरमी के साथ ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आपके अनुसार आने वाला कारोबारी सप्ताह खाद्य तेलों के लिए ओवरऑल कैसा रह सकता है? देखिए, हमारी रिकमेंडेशन थी कि मेडिकल ऑयल्स में कुछ नरमी रहेगी, क्योंकि आगे जो क्रॉप साइज है काफी अच्छा है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग इस बार पैदावार देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से सरकार ने ऑयल मिशन स्टार्ट कर रही है, वो भी मुझे लगता है कि उसका भी बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट रहेगा, तो उससे हमें लगता है कि एडिबल ऑयल में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा एडिबल ऑयल्स में। हमें लगता है कि सरसों, सोयाबीन, यहाँ पर थोड़ा बिकवाली का ट्रेड ही रख के चले। हमें लगता है कि यहाँ से अभी भावों में और नरमी देखी जा सकती है। जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।